हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। सो फाइनली यार आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम देखेंगे यार क्लास ट्वेल्थ में भी जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम टेबल, जो कि प्राइवेट स्टूडेंट है या फिर नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे, भैया हम स्कूल नहीं जाते, हम नॉन अटेंडिंग है, तो हमारे लिए कोई एक अच्छा सा टाइम टेबल बता दीजिए, क्योंकि हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार कि अब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कितना डेली का पढ़ना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो आप सबको पता होगा यार, पहले मैं एक वीडियो लेकर आ चुका था जहां पर मैंने क्लास 12 सेशन 2021-22 वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बताया था। हालांकि वो स्कूल वालों के लिए था, तो वहां पर मैंने आपसे बोला था आपको वन चैप्टर पर डे करना है, इसकी मदद से आप हंसते हंसते 3 महीने में, ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो 4 महीने में पूरा कोर्स निपटा लेंगे और बोर्ड में बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। वो पूरा उसमें हमने देखा था, लेकिन आज की वीडियो हाई किसी अलग होगी। आज हम प्राइवेट नॉन अटेंडिंग बच्चों की पूरी बात करेंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ यार, अगर ये वीडियो आपने पूरी और अच्छे से देख ली तो आप आराम से 95% प्लस स्कोर करोगे ट्वेल्थ में, क्योंकि पूरी चीज़ें आज मैं क्लियर कर दूंगा, आपके एक एक छोटे से छोटे डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि भाई एक स्टूडेंट की लाइफ होती है ना, वो कुछ चीज़ों में रिवॉल्व करती है। एक होता है स्कूल ऑनलाइन क्लास, फिर कोचिंग आ जाता है, फिर सेल्फ स्टडी आता है, फिर होमवर्क आता है, फिर हाउस होल्ड कोर्स आता है, फिर इंजॉयमेंट और रेस्ट आता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है यार, स्कूल और ऑनलाइन क्लास हमारी नहीं है, हम अटेंड ही नहीं करते क्योंकि हमारे स्कूल का कुछ है ही नहीं, तो ये हमारी एक चीज़ कट हो जाती है। तो ये हमको बिल्कुल अपनी उससे हटा देना है, पर इसका हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा जो आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा होता है। इसके बाद अगर एक मामूली बच्चे की बात करते हैं, अगर हम एक एवरेज लेते हैं, तो स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस 6 घंटे की होती हैं। अगर वो कोचिंग जाता है, हालांकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, आगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, वो आपकी 1 से 2 घंटे की होती है। सेल्फ स्टडी 1 से 2 घंटे की होती है, होमवर्क भी 1 से 2 घंटे का होता है, हाउस होल्ड कोर्स भी 1 घंटे का होता है। मतलब अगर एक नॉर्मल बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो 9 से 12 घंटे पढ़ाई करता है, अगर स्कूल सब हम मिला रहे हैं तो, और उसका फ्री टाइम बचता है 12 से 15 घंटे। लेकिन भाई हम नॉन अटेंडिंग बच्चे इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इससे एक अलग ही और बहुत ही अच्छा फॉलो करने वाले हैं। तो सीधा वो हम देखते हैं। तो भाई अगर हम बात करते हैं कि आपका कैसा रहता है, तो आपकी जो लाइफ है वो ऐसी रहती है भाई कि स्कूल और ऑनलाइन क्लास आपका 0 आवर्स होता है, वो अपना रहता ही नहीं है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब वो स्कूल ऑनलाइन क्लास नहीं जाते तो अपना कोचिंग का टाइम बढ़ा देते हैं, वो 1 से 3 घंटे कोचिंग जाते हैं। सबसे पहली बात, क्या अगर आप स्कूल अटेंड नहीं करते तो आपको कोचिंग जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बहुत अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी यूट्यूब पर वीडियो देखिए, अगर नहीं मिलती है, समझ में नहीं आता है, तो ही आपको जाना है भाई। हमारे एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखिए, हम तो कभी आपको कोचिंग का नहीं बोलेंगे। फिर अगर आप कोचिंग जाते भी हैं तो भाई कोचिंग मैक्स टू मैक्स 2 घंटे की होना चाहिए, 1 से 3 घंटे के बच्चे चले जाते हैं, कहीं तो इससे ज़्यादा की चले जाते हैं, बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करना है। तो ये हमारा कोचिंग का रहता है। फिर अगर भाई सेल्फ स्टडी की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको लगता है भाई हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो तो 1 से 4 घंटे डेली की पढ़ाई करते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। फिर होमवर्क, भाई स्कूल रहता नहीं तो हमको होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कोचिंग में कई बार होमवर्क मिल जाता है, तो उसका हम पकड़ लेते हैं कि आपका होमवर्क 0 से 1 आवर्स के बीच में रहता था, 1 घंटे कुछ में आपका होमवर्क का रहेगा। फिर हाउस होल्ड कोर्स आपका भी 1 घंटा रहता है। तो अगर देखें भाई, तो अपना जो स्टडी टाइम होता है वो 2 से 8 घंटे का होता है, और जो अपना फ्री टाइम होता है वो 16 से 22 घंटे का होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने जो पहले बताया वहाँ पर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका 9 से 12 घंटे स्टडी टाइम है, हमारा तो सिर्फ 2 से 8 होता है, तो क्या ये बहुत कम हो गया है? मैं बोलूंगा आपका ये बहुत ज्यादा हो गया अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि हमें रियलिटी नहीं पता होती यार, वो भी हम पूरा देखेंगे। अभी सिंपल ये बोल सकता हूँ यार, मैं मान रहा हूँ बच्चे 6 घंटे 5-4 घंटे स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या 6 घंटे स्कूल में कभी पढ़ाई होती है? बीच में ब्रेक होता है, अगर 40 मिनट का एक पीरियड लग रहा है तो भाई 10-15 मिनट तो टाइम पास होता है, कुछ टीचर किसी दिन पढ़ाते हैं किसी दिन नहीं पढ़ाते, तो इतनी ज़्यादा ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती है कि 6 घंटे की पढ़ाई हो रही है। वो भी देखें अगर हम रियलिटी में तो इतना ही पढ़ते हैं, 2 से 6 घंटे वो पढ़ाई करते हैं। तो ये हमें पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा एक शेड्यूल होता है, लेकिन इसमें भी हम देखेंगे क्या चेंजेस हमको करना है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, अगर आपने मेरी पुरानी वाली जो मैंने एक नॉर्मल वीडियो टाइम टेबल की बनाई थी पूरे ट्वेल्थ वालों के लिए वो देखी होगी, तो वह मैंने कहा था कि भाई आपको जब आप स्टार्टिंग डेज प्रिपरेशन करते हो तो आप सबको एक अर्ली बर्ड बन जाना चाहिए। उसका सिंपल रीज़न ये है कि भाई स्कूल सुबह ही लगते हैं तो आपको मजबूरन सुबह उठना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को एक प्रॉफिट है। मैंने उस वीडियो में बोला था कि फाइनल डेज में नाइट आउल्स को थोड़ा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अर्ली बर्ड हो नाइट आउल हो, आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई हुई
होगी कि सुबह का पूरा टाइम आपका स्कूल का रहेगा, आपको शामी को पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, रात में जल्दी सोना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चाहे आप एक अर्ली बर्ड हो, चाहे एक नाइट आउल हो, चाहे बीच के हो, कहीं के भी, आप सबको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि भाई आप खुद के राजा हो चुके हो, आप अपना पढ़ाई का देखोगे। लेकिन पढ़ाई करें उससे पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे कि भाई 8 घंटे हमको सोना है, तो 8 घंटे तो हमें सीधा निकाल देना है बिना कुछ सोचे समझे। तो 24 में से 8 माइनस करते हैं, मतलब 16 आवर्स हमारे डेली के बचते हैं जब हम सो नहीं रहे हैं, बाकी काम करते हैं। अब इसमें से हमें कितना पढ़ना है, तो आपको मात्र 3 से 6 घंटे के बीच की डेली की पढ़ाई करना है। अब आप बोलोगे भैया इतनी कम पढ़ाई में कैसे हो जाएगा, लोग तो बोलते हैं 12 घंटे पढ़ना चाहिए अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आपको पूरा मैं क्लियर आगे कर दूंगा, ठीक है। अभी दिमाग में बस इतना बिठा लो, आपको 16 घंटे मिलेंगे, आपको उसमें से मात्र 3 से 6 घंटे आपको पढ़ना है। आप अर्ली हो और नाइट आउट में से जो भी हो, आपको बहुत प्रॉफिट मिलना है। प्रॉफिट इसलिए मिलना है, सुबह का पूरा टाइम आपके पास है, रात का टाइम पूरा है, दोपहर का टाइम पूरा है, आपको जब पढ़ना है आप जब पढ़ सकते हो। बच्चों को क्या होता है, जो सुबह स्कूल जाते हैं दोपहर में थक जाते हैं, रात में पढ़ते हैं, फिर होमवर्क करना पड़ता है, स्कूल का सब मैनेज करना पड़ता है, तो वो ना एक अपनी मन मर्जी से नहीं कर पाते। अगर वो नाइट आउल भी है तो उनको जल्दी सोना पड़ता है, अर्ली बर्ड है तो सुबह पढ़ना चाहते हैं तो उनको स्कूल में पढ़ाई करना पड़ता है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और कुछ ना कुछ बेनिफिट इनको देखने को मिल जाता है। लेकिन आप अपना खुद का देख सकते हो, तो ये आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई एक स्कूल जाने वाले बच्चे को क्या चीजों का प्रॉफिट रहता है। अब उसको जो प्रॉफिट है भाई, वो प्रॉफिट हमें भी कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, हम उसके अल्टरनेटिव देखेंगे, बहुत इजी है, पूरा देखेंगे। तो अगर हम स्कूल की बात करते हैं भाई, तो स्कूल में 5 से 8 पीरियड्स लगते हैं क्लास 12th के बच्चों को, देखें तो मोस्टली स्कूल में मात्र 6 पीरियड ही लगते हैं, हमारे अभी 6 ही लगते थे, इतने पीरियड्स आपको लगते हैं। और अगर हम इन 5 से 8 पीरियड्स की बात करते हैं, तो भाई अगर हम टोटल कर लेते हैं तो हमें 15 से 30 पेजेस पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में क्या होता है, एक इंग्लिश का पीरियड लगेगा, एक फिजिकल एजुकेशन का, एक हिस्ट्री का, पढ़े सबके एक एक पीरियड लगते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के 2 पीरियड लग जाते हैं, तो टीचर पढ़ाते हैं। बट एक टीचर का अगर हम देखते हैं, तो भाई वो एक पीरियड में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 पेज ही पढ़ाते हैं, ज्यादा वो कभी नहीं पढ़ाते, कई टीचर तो 2-2 पेज पढ़ाते हैं, फिर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं, फिर पूरा एक्सप्लेन करना होता है, तो टाइम लगता है। तो अगर हम मान लेते हैं तो हम ये बोलते हैं 15 से 30 पेज पढ़ाई, मैंने ज्यादा ही लिख लिया है 30 पेज, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 15 से 30 पेजेस पढ़ाई हमारी होती है, अगर हम पूरे सब्जेक्ट को कंबाइन करके सोच रहे हैं कि उनसे पेजेस गिन रहे हैं, तो इतना हमें स्कूल में एक चीज होती है, मतलब स्कूल का एक प्रॉफिट यह हुआ। फिर दूसरा आता है भाई, स्कूल में आपकी रीडिंग हो गई, लिसनिंग हो गई, राइटिंग स्किल्स हो गई, इन सब में डेवलपमेंट होता है। भाई आप रीडिंग करोगे, आपको रीडिंग में आपकी ग्रिप बनेगी, टीचर पढ़ाती है आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, राइटिंग प्रैक्टिस होती है, टेस्ट होते तो राइटिंग हमारी अच्छी हो जाती है, तो कुछ डेवलपमेंट हमारे होते हैं। फिर अदर एक्टिविटीज़ में भी हम पार्ट लेते हैं तो हमारी उसमें हम इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। फिर वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, भाई फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उनसे हमें आइडिया मिलता है, एक अच्छी माहौल मिलता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और गाइडेंस मिलती है, भाई टीचर्स रहते हैं उनसे हमें पूरे साल भर गाइडेंस मिलती है, तो ये पूरा स्कूल का आता है। लेकिन अब बात आती है भाई, हम तो स्कूल जा नहीं रहे तो हम इसका क्या करें, तो सिंपल वो देखते हैं। ऊपर मैंने वही स्कूल का फिर से लिख दिया कि भाई स्कूल में क्या होता है। अब हम इसके अल्टरनेटिव देखते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं जा पा रहे तो हम क्या करें, इसको हम किन चीज़ों से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो भाई अगर सबसे पहली एक चीज़ क्लियर कर लो, स्कूल में 5 से 8 पीरियड लगते हैं, मतलब 15 से 30 पेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। हमारे ह्यूमैनिटीज़ का एक चैप्टर 15 से 30 पेज के बीच में आ जाता है, तो मतलब अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं भाई स्कूल में एक दिन में सिर्फ एक ही पीरियड लग रहा है, मतलब जितने भी पीरियड है वो एक ही सब्जेक्ट का लग रहा है कि हिस्ट्री 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 पॉल 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 ऐसा आपको लग रहा है, तो एक दिन में स्कूल में एक चैप्टर करा दिया जाता है। मैं बिल्कुल अच्छा बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ, आप इसको समझिए। 15 से 30 पेज स्कूल में हो रहे हैं, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि 15 से 30 पेज किसी एक ही सब्जेक्ट के हो रहे हैं, तो मतलब स्कूल में डेली हमारा एक चैप्टर कराया जाता है। और यही रीजन है कि स्कूल में भी 4-5 महीने बाद सिलेबस थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है, तो ये होता है। तो मतलब कुल मिलाकर हमको समझ में आ जाता है कि अगर हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो एक चैप्टर तो हमें डेली करना है स्कूल का, जो बच्चे स्कूल में करके आ रहे हैं। अंतर इतना रहता है कि वो 20-20% हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर करते हैं, हम एक चैप्टर किसी भी एक सब्जेक्ट का कर लेंगे, ये होता है। फिर रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम भी रीडिंग करेंगे। लिसनिंग के लिए आप टेक टॉक सुन सकते हैं, मैं टेक टॉक क्यों बोलता हूँ बार बार, इससे आपको थोड़ा सा अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। टीचर भी जब पढ़ाते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ आपको मोरल वैल्यूज़ देंगे, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो टेक टॉक में आपको वो मिलने लगेगा। आप हमारी एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आने लगेगा, आपकी रीडिंग भी डेवलप होगी, सब डेवलप होगा। तो ये लिसनिंग हुआ, और राइटिंग के लिए आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करना है,
आप जब पढ़ते हैं तो आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, एक आध महीने में अपना टेस्ट ले सकते हैं, लिख लिख कर नोट्स बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, नोट्स वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ऐसा आप पूरा कर सकते हैं। फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम खुद की हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं। देव और मुझे भी ज़्यादा स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो हमने खुद की हॉबीज़ डेवलप करी, क्योंकि हम भी अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट नहीं ले पाते थे, स्कूल ही नहीं जा रहे कई बार पता ही नहीं चलता था। तो जैसे मैंने स्केचिंग डेवलप करी, पोएट्री लिखना किया, वीडियो एडिटिंग किया, देव ने अपना बहुत सारी चीज़ें करी, तो ऐसा आप भी अपना कर सकते हो, अपनी हॉबीज़ डेवलप करो। इसके बाद अब फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो भाई फ्रेंड्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, आप बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, हो सकता है ऐसे ही बच्चे मिल जाएं जो भी भाई नॉन अटेंडिंग हो, तो आप लोग की एक बिल्कुल सिनर्जी बैठ जाएगी, तो ऐसे बच्चों के लिए आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद कुछ रियल फ्रेंड्स भी आपको बनाने हैं, भाई डिस्कॉर्ड आपके दोस्तों को हो गया, हम आपके दोस्त जैसा हैं बिल्कुल, लेकिन अपन सिर्फ ऑनलाइन बात करते हैं, इसलिए आपको कुछ ऐसे रियल फ्रेंड्स अपने आजू बाजू भी ढूंढने पड़ेंगे जो आपका बेटरमेंट चाहते हैं, तो ऐसे लोग ढूंढिए, वो आपके रियल फ्रेंड आएंगे। फिर गाइडेंस, भाई गाइडेंस के लिए हम लोग तो बैठे, ऑब्वियस बात आती है, द ट्विन ब्रोस आपके लिए हमेशा, हम लोग आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके लिए गाइडेंस का भी काम हम पूरा करेंगे, गाइड आपको करेंगे, उसके आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स भी होते हैं और आपको वो गाइड भी करते हैं, तो ये आपके पूरा आ जाता है, मतलब कुल मिलाकर इतनी सी चीज़ें अगर हमने कर ली तो स्कूल का पूरा हमने निपटा लिया भाई, एक चैप्टर हमारा जो स्कूल में हो रहा है हमने वो कर लिया है, हमने पूरी स्किल डेवलप कर ली, अदर एक्टिविटी कर ली, फ्रेंड्स कर लिए, गाइडेंस कर लिया, आप स्कूल हम जाएं चाहे ना जाएं हम स्कूल की पूरी बराबरी में आ चुके हैं, तो ये हमारा स्कूल का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है। अब इसके बाद भाई बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है, तो टोटल स्टडी टाइम हमारा कितना रहेगा, राइट साइड में अगर आप देखेंगे 3 से 6 घंटे हमको पढ़ाई करना है, तो अब पढ़ाई कैसे करना है, हमेशा याद रखिए यार पढ़ाई के बीच में ना एक लंबा गैप होना चाहिए, आप स्कूल से आके दोपहर में सो जाते हैं या रेस्ट करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तुरंत पढ़ने नहीं बैठते हैं, सिंपल रीजन ये कि तुरंत तुरंत पढ़ाई करते जाओगे बोर हो जाओगे, ऐसा कभी मत करना। तो भाई हमें सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी का बेस्ट टाइम होता है 6 बजे से 11 बजे के बीच में, आपको जब भी करना हो, 6 से 11 पढ़ने को नहीं बोल रहा, 6 से 11 के बीच में आपको जब भी करना हो, एक चैप्टर करने में 1 से 2 घंटा ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, आपको 1 से 2 घंटे में एक चैप्टर करना है, अगर इतने टाइम में आपका नहीं होता तो आप डेवलप करो अपनी स्किल्स को, धीरे धीरे आप इस टाइम पर पहुंच जाओगे। तो हमें बस इतना एम रखना है यार कि सुबह जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो एक चैप्टर हम निपटा के उठेंगे, क्योंकि स्कूल में भी एक चैप्टर डेली का करा दिया जाता है आपका, ये होगा। फिर कोचिंग, भाई कोचिंग का टाइम फिक्स रहता है, आपको 1 से 2 घंटे कोचिंग जाना है, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो यार बहुत अच्छी बात है, मैं सबको बोलता हूँ कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होती जब तक आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, अब जब इकोनॉमिक्स के बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है तो भाई आप जा सकते हो थोड़े समय के लिए, लेकिन पूरा फिक्स मत हो जाओ कोचिंग के लिए, कोचिंग में जाओ, क्रैश कोर्स कर लो, 1-2 महीने की कोचिंग कर लो, पूरे से मत करो कि साल भर कोचिंग जा रहे हो, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है, तो ये आप देख लो। तो कोचिंग का टाइम हो गया, अब फिर से सेल्फ स्टडी करेंगे, एक स्कूल वाली सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं क्योंकि भाई हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, अब वो बच्चे स्कूल से आने के बाद घर में पढ़ाई करते हैं, तो अब हमारी सेकंड सेल्फ स्टडी का टाइम आएगा। अब याद रखिए इसको हमेशा आप कोचिंग के बाद रखिए, हमने सुबह पढ़ाई कर ली, फिर हम कोचिंग चले गए, फिर हमने थोड़ा रेस्ट ले लिया और फिर आके हम पढ़ रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है भाई, आप 4 से 6:30 के बीच में कभी भी बैठ सकते हो, 8 से 10:30 के बीच में कभी भी बैठ सकते हो, जैसे अगर आप 5 बजे बैठे तो आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, तो 7 बजे तक हो जाएगा आपका, 6 बजे तक हो जाएगा, ये टाइम दिया मैंने, ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको 4 से 6:30 पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, 8 से 10:30 पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, इसके बीच में आप पढ़ सकते हैं, टाइम में अच्छी एनर्जी रहती है। फिर आपको कितने घंटे पढ़ना है यार, आपको 1 से 2 घंटे पढ़ना है और एक चैप्टर का गोल रखो, वो जितनी देर में आपका हो जाए, पर इससे ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारा क्या होगा, डेली के 2 चैप्टर हम कर रहे होंगे, कोचिंग जाते हो तो उसके 2 घंटे आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे, नहीं जाते तो आपका फ्री टाइम है भाई, वो आपकी सही चीज़ है, तो ये आप देखोगे। और बिल्कुल याद रखना, मैं आपको बोलता हूँ कि आप 1 से 2 घंटे अज्यूम करो, लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे एक चैप्टर करना है। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 6-6 घंटे एक चैप्टर में लग रहा है तो 6-6 घंटे पढ़ते हैं, नहीं, ऐसे में आपको देखना है यार कि क्या मिस्टेक मुझसे हो रही है, मैंने यहाँ 1-2 घंटे फालतू में नहीं लिखा है, एक चैप्टर करने में आपको 1 से 2 घंटा ही लगना चाहिए। सिंपल बात है, हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जब 1 घंटे की अप्रॉक्स जाती है तो इससे ज़्यादा टाइम आपको चैप्टर में लगना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा आपका 1 से 2 घंटे जाएगा। तो मतलब डेली का हमारा क्या होगा, फिर होमवर्क की बात और कर लेते हैं, अगर आप कोचिंग जाते हो तो आपको होमवर्क मिलेगा, नहीं जाते हो तो नहीं मिलेगा, तो ऐसा आपका पूरा पढ़ाई का एक रूटीन चलेगा, बिल्कुल यही आपको फॉलो करना है। मतलब सेल्फ स्टडी आपकी दिन में 2 बार होगी, कोचिंग जाते तो कोचिंग होगा, और कोचिंग का अगर होमवर्क मिल रहा है तो वो आपका होगा। तो मतलब अगर हम डेली की पढ़ाई की बात करते हैं तो भाई अगर आप सिर्फ कोचिंग भी नहीं जाते हो, आपको होमवर्क भी नहीं मिलता है, तो दिन में 2 बार पढ़ने बैठोगे, 2 चैप्टर निपटाओगे, तो आपके 2 घंटे से 4 घंटे में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, आप कोचिंग भी जाते हो, होमवर्क भी जाते हो, तो फिर थोड़ा टाइम आपका लग सकता है, भाई सेल्फ स्टडी आपने 2-2 घंटे करी, 4 घंटे वो हो गया, कोचिंग 1 घंटे की तो 5 घंटे वो हो गया, कोचिंग में कभी होमवर्क मिलता है नहीं मिलता, तो ऐसा पूरा आपका जाएगा। मतलब हम मान लेते हैं भाई हमारी 3 घंटे से लेकर 6 घंटे की पढ़ाई डेली की होगी,
किसी दिन 3 होगी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 3 ही घंटे हो डेली की, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। पर आप कोचिंग भी नहीं जा रहे हो, होमवर्क भी नहीं जा रहे हो, और आप चैप्टर जल्दी कर लेते हो तो फिर 3 घंटे में भी होगा आपका, 4 घंटे में भी होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बिल्कुल आता है, मैं PDF में भी ये पूरी PPT डाल दूंगा जिसमें आप बाद में पढ़ भी सकते हैं इसको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपका ऐसा टाइम टेबल चलेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, 6 से 11 के बीच पढ़ने बैठोगे पहली सेल्फ स्टडी होगी, फिर 4 से 6:30 बजे, 8 से 10:30 बजे आप पढ़ोगे, ये आपका दूसरा टाइम हो जाएगा। और होमवर्क अगर आप कोचिंग जाते हैं तो फिर आप कोचिंग होमवर्क अपने हिसाब से मैनेज करोगे साथ ही में। तो ये आपका होता है। अब इसके बाद भाई कोचिंग टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले तो खुद से क्वेश्चन करो कि मुझे कोचिंग जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कोचिंग तभी जाओ जब आपको बन ही नहीं रहा भाई, आप यूट्यूब चैनल इतने सारे आ गए, हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं तो जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हैं, मैं पूरी तरीके से मना नहीं कर रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा नीड है तो जाइए। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी को कोचिंग क्लास से कंबाइन करना है। मैंने आपसे बोला आपकी पहली सेल्फ स्टडी होगी, फिर कोचिंग होगा, और कोचिंग के बाद आपकी सेल्फ स्टडी होगी। ऐसा क्यों? अब भाई आपने सुबह एक चैप्टर कर लिया इकोनॉमिक्स का, अब आप कोचिंग गए, कोचिंग में आपको आपके टीचरों ने हिस्ट्री का आधा चैप्टर करा दिया आज, अब आप शाम को क्या करोगे, आधा चैप्टर वही हिस्ट्री का कर लोगे। दिन का टारगेट हमारा 2 चैप्टर्स ही है, इससे ज़्यादा हमको करना ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, आपने सुबह सेल्फ स्टडी करके इकोनॉमिक्स 2 घंटे में पूरा निपटाया, 1 घंटे में आपका हिस्ट्री का आधा चैप्टर निकल गया, अब आप घर आओगे आपका 1 घंटे में आधा चैप्टर हो जाएगा, मतलब 4 घंटे हमने पढ़ाई करी, हमारा आज का पूरा कोटा खत्म हो गया। तो ऐसा आपको करना है, 2 चैप्टर पर डे आपको करना है। तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मिला दो। जैसे आपको ऐसा पता चलता है यार आज मुझे कोचिंग में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले, तो सुबह हमने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स कर लिया, तो कोचिंग और उससे मिलकर पूरा इकोनॉमिक्स हो गया, ये आप करोगे। और इसके बाद ये भाई कोचिंग में 1 से 2 घंटे ज्यादा बिल्कुल मत जाना, ये गलती मत करना कि 3-3, 4-4 घंटे कोचिंग जा रहे हो, बिल्कुल नहीं, 1 घंटे कोचिंग बहुत है। और कोचिंग तभी जाना जब आपको यूट्यूब चैनलों से हेल्प नहीं मिलती। यार आप हमारे चैनल में एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखो, पूरी गाइडेंस की हमारी वीडियो आती रहती है, सब आपको मिलेगा। अगर नहीं इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे जरूरत ही है कोचिंग की, तो ही आप देखना, ठीक है। तो ये पूरा कोचिंग टिप्स आती है। फिर इसके बाद अब सेल्फ स्टडी टिप्स हम देख लेते हैं। तो आपको 1 से 2 घंटे ही पढ़ना है एक बार में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको एक चैप्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप हमारी वीडियोस देख लेना, हमने रिसेंटली डाली थी कि 1 घंटे में एक चैप्टर कैसे करें, वो देख लेंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, वो आपको करना है। फिर याद रखिए 2 चैप्टर्स अ डे कीप्स द बैड रिजल्ट अवे। अगर आप दिन में 2 चैप्टर कर रहे हैं तो बोर्ड में आपके 95%+ पक्का है। मैंने नॉर्मल बच्चों को बोला था जो स्कूल जाते हैं उनको 1 चैप्टर डेली करना है, क्योंकि भाई स्कूल में उनका थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं इसलिए आपको 2 चैप्टर पढ़े मैं बोलूंगा। इसके बाद एक प्रॉपर टाइम टेबल, आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है, मैं लिख कर दे रहा हूं यार, इससे अच्छा टाइम टेबल नहीं है। और प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना, और नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाना है, समरी नहीं बनाना है, जो नोट्स की हमने वीडियो बनाई है उसी को आपको फॉलो करना है। इसके बाद होमवर्क टिप्स दे देता हूँ। अगर आप कोचिंग जाते हो आपको होमवर्क मिलता है तो स्मार्ट वर्क करो, देखो यार ये कोचिंग में जो होमवर्क मिल रहा है ये सही में कुछ वैलिड है कि नहीं है, कि सब टाइम पास है। टाइम पास लिखते तो भाई कोचिंग में मना कर दो आप कि नहीं मैं ये होमवर्क नहीं करूंगा, और अगर ऐसा लगता है नहीं यार इससे इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरा तो बिल्कुल करिए। तो ये आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, आपका होमवर्क टिप मैंने दे दी, आपको ऐसे करना है ना। इसके बाद हाउस होल्ड कोर्स की बात कर लेते हैं। घर का काम करना बहुत जरूरी होता है, अपने पेरेंट्स की मदद कीजिए। साथ ही साथ भाई देखिए आप स्कूल नहीं जाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस आप किसके साथ शेयर करेंगे, पेरेंट्स के साथ कीजिए, उनको मुझे डेली लाइफ के बारे में बताइए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, उनसे पूरी बात कीजिए। और कभी भी आपको मदद की जरूरत पड़ती है अपने पेरेंट्स से पूछिए, नहीं तो हमसे पूछिए, हम सब आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो हाउस होल्ड कोर्स की टिप मैं आपको दे दिया हूं। इसके बाद भाई एंजॉयमेंट एंड रेस्ट भी जरूरी होता है, तो 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेना ही है। 11-12 बजे सो जाया करो यार, इससे लेट मत करो, 11-12 बहुत रात हो जाता है। अब नाइट आउल तो भाई अगर आप रात में पढ़ते हो तो चलो फिर चलता है, तो रात में ज्यादा जग रहे हो 2-3 बजे तक, तो सुबह थोड़ा लेट उठो, अपनी 6 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करो। लेकिन आप एक अर्ली बर्ड हो या एकदम प्योर नाइट आउल नहीं हो तो 11-12 बजे सो जाना चाहिए, ये सही रहता है। फिर अपनी लाइफ को पूरा इंजॉय करिए यार, और डू वॉट एवर यू लाइक, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, आप 2 चैप्टर डेली का कर रहे हो, तो फिर ये बात ही नहीं आती है कि अब मैं और क्या करूं, क्या मुझे और पढ़ना चाहिए, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। आपके सामने पूरा एक डेटा रखा हुआ है कि मैं 2-2 चैप्टर डेली कर रहा हूं, मेरा इतनी जल्दी कोर्स हो जाएगा, मैं पूरा निपटा दूंगा। और अगर आप 2 चैप्टर रियली सही में कर लेते हैं डेली, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप 1.5-2 महीने में अपना पूरा सिलेबस भी हंसते हंसते निपटा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर हम बोलते हैं कि 100 चैप्टर भी हैं आपको, तो अगर आप डेली 2 कर रहे हो तो 50 डेज में आपका पूरा हो जाएगा। तो ऐसा सिंपल चलता है, आराम से इसको आप कर सकते हैं।
फिर इसके बाद 2 चैप्टर्स पर डे भी आपको बता देता हूँ यार आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस प्लस एनसीईआरटी करना है। कैसे करना है भाई, हमारी जितनी वीडियो आती है पीछे पीपीटी में पूरी एनसीईआरटी चल रही होती है। तो सिंपल बात ये यार, आपको ये बिल्कुल नहीं दिमाग में आना चाहिए कि क्या भैया लोग की वीडियो देखने के बाद हमको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अरे आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, पूरा बोर्ड का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। 40 मिनट से 1 घंटे की एक चैप्टर की वीडियो होती है, अगर वो पार्ट्स में पूरी एक हो इतने ही उसमें जाती है, तो हंसते हंसते आपका 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यार, तो पूरा वो देख सकते हो। उसके बाद जब आपने एनसीईआरटी प्लस वीडियो के साथ पूरा चैप्टर कर लिया है, आपकी ऐसे में रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होंगी, आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आने लगेगी। इसके तुरंत बाद आपको हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा वहां पर आपको मिल जाएंगी। अगर कोई सब्जेक्ट की आईएमपी वीडियोस नहीं मिलती है तो फिर आप यूट्यूब में नहीं मिल रही है अगर, तो आप सीधे गूगल पर सर्च कर लेना, चैप्टर का नाम डालना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना। वैसे हमारी पूरी कोशिश है यार कि जल्द से जल्द हम पूरे सब्जेक्टों के आईएमपी डाल देंगे, अभी पूरों के नहीं आ पाए पर आ जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, 20 मिनट्स की वीडियो रहती है तो आपका भाई 2 घंटे के आसपास में हंसते हंसते सब कुछ हो चुका होगा, कई बार तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, 1.5 घंटे में सब कुछ होने लगेगा। और फिर आखिरी में रिविजन करना है 5 से 10 मिनट। रिविजन से मेरा क्या मीनिंग है, 5 ही मिनट लगेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, अगर उसमें किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ना है आपको, वो क्वेश्चन बुक के चैप्टर के जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन फिर से देख लो, क्योंकि भाई उस टॉपिक से अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो फिर आपसे वो भी नहीं बनेगा। हम गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता तो उसी क्वेश्चन का आंसर देख लेते, नहीं वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है वो टॉपिक आपको देखना है। तो 5-10 मिनट में आपका रिविजन हो जाएगा। तो अगर हम मान के चलते आपको पूरे 12th में 90 चैप्टर्स हैं, आपके कितने भी हूँ, हम अगर डेली 2 चैप्टर करते हैं तो 45 डेज में हो जाएगा। कई दिन ऐसे भी जाएंगे यार 2 चैप्टर आप पर डे नहीं कर पाओगे कोई भी रीजन के लिए, घबराना नहीं है, 45 डेज में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 50 डेज लगेंगे, 70 डेज लगेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ अगर आपको 90 डेज भी लग जाते हैं, हंसते हंसते सच्ची बात कोई नहीं यार, अगर 90 हम लोग की अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो 100+120 डेज कुछ लग गए होंगे सिलेबस निपटाने में, आपको तो इतने कम टाइम में हो रहा है। तो बिल्कुल सही ये चीज़ें आपको ऐसे करना है। और अभी हम स्टार्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में हम रिवीजन फिर से करेंगे, उस पर भी वीडियोस बिल्कुल लेकर आएंगे, तो ऐसा आपको पूरा करना है। इसके बाद आखिरी में कोट और बोल देता हूँ यार, आई कांट प्रॉमिस टू फिक्स ऑल योर प्रॉब्लम्स बट आई कैन प्रॉमिस यू वोंट हैव टू फेस देम ऑल अलोन। ट्विन बोस हमेशा आपके साथ है यार, आप कभी अकेले नहीं हो, तो ऐसा कभी मत सोचना। आपको अगर प्रॉब्लम भी जाती है तो आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हो, हमेशा हम अवेलेबल रहते हैं, आप डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लेना, बाकी आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हमें पूरा आप पर विश्वास है। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।